गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा। आई होप यू आर डूइंग यूर वर्क प्रॉपरली। आई एम पूनम। टूडे वी प्रैक्टिस इन MS पेंट। टूडे वी इंट्रोड्यूस यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। दिस वन इज द लाइन टूल, दिस वन इज द लाइन टूल, दिस वन इज द कर्व टूल, दिस वन इज द कर्व टूल। Then we click here. This one is the oval. We can select it, then shape oval and a circle. Next one is the rectangle. This one is the rectangle shape. Next one is the rounded rectangle. This one is the rounded rectangle. Next one is polygon. Next one is polygon. Next one is triangle. Next one is triangle shape. We can select a triangle. Next one is right triangle. Next one is right triangle. Next one is pentagon. Next one is pentagon. Next one is hexagon. Next one is right arrow. Then we fill color. ये क्या लिया हमने यहाँ से? Fill with color से यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ से color select करेंगे color box से, then color change कर लेंगे हम next के लिए। यहाँ से वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट कलर एंड कैन फिल डिफरेंट कलर इन डिफरेंट शेप्स। सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन MS पेंट एट योर होम एंड मेक ए फ्लैग विद हेल्प ऑफ द शेप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello, a very good morning to all the students. This is Rasmi ma'am, your science teacher. Students, today I will teach you about some basic questions for competitive exams, and these questions will help you in competitive exams like military school, Navodaya, NTSC, and any other exams. So students, let's start. Our first question is, प्लांट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा, फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स। तो जो उनकी पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, उसमें स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं उनकी, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उसकी हेल्प से एयर प्लांट्स के अंदर जा सकती है। नेक्स्ट, इट कैन मूव ऑन इट्स ओन। कौन है जो अपने आप मूव करता है? कार, लॉयन, डोर, पैन। जो लॉयन है वो अपने आप मूव करता है, और ये डोर, पैन और कार अपने आप मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस। इसमें से आपको बताना है कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्रजनन कौन कर सकता है। तो कौन करता है? हैन। और जो अदर ऑप्शन है हमारे, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, ए बर्ड ग्रो इनटू अ, जो बर्ड होती है, कली होती है, वो किस में ग्रो होती है? फ्लावर में। जो कली होती है उसके बाद क्या बनता है स्टूडेंट? फ्लावर। नेक्स्ट, डैश लीव्स आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। किसकी पत्तियां हैं जो ह्यूमन बींग्स ईट करते हैं, खाते हैं? कैरेट्स, स्पिनच, बनाना, मनी प्लांट। जो मनी प्लांट की लीफ होती है वो तो हम खाते नहीं हैं, बट जो स्पिनच होता है, पालक होता है, उसको हम खाते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस है स्टूडेंट्स
जिसके द्वारा जो सीड होता है, एक बीज होता है, वो किस में ग्रो होता है, किस में बड़ा हो जाता है, बेबी प्लांट में, छोटे पौधे में बड़ा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, जनरेशन, नन। योर करेक्ट आंसर इज जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फिक्स इट इन द सोइल। उस प्लांट के उस पार्ट का नाम बताना है जो सोइल में फिक्स होता है, मिट्टी के अंदर फिक्स रहता है, इज द डैश। वो कौन सा पार्ट है? स्टेम, शूट, रूट, ब्रांच। तो कौन सा पार्ट है जो मिट्टी के अंदर होता है? रूट। रूट होती हैं जो जड़ें, वो मिट्टी में फिक्स हो जाती है प्लांट की। सो दिस इज करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई रश्मि मैम, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मेक अ वर्किंग मॉडल फॉर सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन मून कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड द सन। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर दिस working model we need some material like some colorful papers, yellow paper and compass with pencil, one marker, one flute, one scissor, one sharp knife and one iron wire, one short button, some color and pens. So let's start. First of all, for this we make a sun in yellow sheet and then we will take two sheets same color and join together, then make with compass a circle. Okay, this circle is cut by a scissor. You make this model with the help of your elder. Don't cut your hands by this. After this, cutting a circle, we have two seeds. Now I'll make a earth on sky blue sheet by a pencil. Make a circle like this and draw this. After this, make a dark line with marker. Okay students, then color green color. जो आपने बीच में लाइन ड्रॉ की है इसमें आपको ग्रीन कलर करना है और इसके बाद आपको इस अर्थ को कट करना है। लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, नाउ
I'll make a two moon and shading by pencil like this. Okay, after this outlining of the moon and cut by a scissor. Hello students, a very healthy morning to everyone. These days we are preparing you for competitive exams. It will help you in future, so you have to prepare a lot by putting more efforts. Today's thought is, the roots of education are bitter but the fruit is sweet. It means jo shiksha ki jade hoti hai wo kadvi hai parantu iska jo phal hai wo meetha hai. Now we will start our cursive writing, so let's start. Smith. Smith. Rose. Five year old boy full stop, his favorite thing was to jump on his bed, full stop, his mother kept telling him comma do not
jump. On the bed comma Smith full stop one day you will halt yourself full stop but Bart Smith never listen to his mother so students please write this page in your notebook thank you have a nice day so good morning students how are you all I hope you are all fine and fit at your home and doing your study properly I Bala Yadav your math teacher so students let's start our classes and our topic is blood relation class 2nd to 5th and our first question is pointing to a photograph a man said ek photograph ki or sign karte hue point karte hue ek aadmi kehta hai I have no brother or sister mere paas na to koi bhai hai aur na hi koi behan hai but that man's parantu yeh jo aadmi hai iska father is my father's son mere father ka beta hai whose photograph was it to usme pucha hai ki yeh us photograph mein kaun tha तो देखिए बेटा एक आदमी है कहता है कि ना तो मेरा भाई है और ना ही बहन है पर इसका फादर मतलब उसके वो आदमी खुद है उसका पापा उसके बेटे वो जो आदमी है वो उसके फादर का बेटा है तो वो आदमी अपने खुद की फोटो दिखा रहा है तो वो हिज ओन फोटो शो कर रहा है जिसके बारे में वो बता रहा है तो वो फोटो किसकी है उसकी खुद की है सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन दैट दिया है हमारे पास पी इज द फादर ऑफ क्यू P है Q का फादर है R इज द सन ऑफ P और जो R है वो सन है P का S इज द ब्रदर ऑफ T और S है T का भाई तो T इज द डॉटर ऑफ Q और जो T है वो Q की डॉटर है और क्वेश्चन में पूछा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ S तो S की ग्रैंड मदर कौन होगा कौन होगी सॉरी P होगी Q R या S तो बेटा कौन होगा Q पी होगी उसकी ग्रैंड मदर एस की क्यों होगी बेटा देखो क्वेश्चन में दिया है एस इज द ब्रदर ऑफ टी जो एस है टी का भाई है एंड टी इज डॉटर ऑफ क्यू और टी है वो क्यू की डॉटर है मीन्स दैट एस इज द सन ऑफ क्यू तो एस क्या है क्यू का सन है सिंस पी इज द मदर ऑफ क्यू और पी क्या है क्यू की मदर है सो पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस सो पी की ग्रैंड मदर कौन है एस की ग्रैंड मदर कौन है पी ओके स्टूडेंट्स एंड आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंट्रोड्यूसिंग ए वुमैन ए मैन सैड एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है हर हस्बैंड इज ओनली सन उसके जो हस्बैंड है वो एक अकेला बेटा है ऑफ माई मदर मेरी माँ का हु इज द वुमैन रिलेटेड टू द मैन तो वह औरत उस आदमी से कैसे रिलेटेड है उन दोनों आदमी और औरत के बीच में क्या रिलेशन है तो क्या है बेटा वाइफ का रिलेशन है
वो जो औरत है वो उसकी वाइफ है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, इसका सॉल्यूशन है एक वुमेन की ओर आदमी इशारा करता है और उसकी वो उसकी मदर है, तो इस तरह से वो आदमी उस औरत की, वो औरत उस आदमी की वाइफ है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, पी एंड क्यू आर ब्रदर, पी और क्यू ब्रदर्स हैं, एक्स एंड वाई आर सिस्टर और एक्स और वाई सिस्टर्स हैं. सन ऑफ पी इज द ब्रदर ऑफ वाई, जो सन ऑफ पी, पी का जो बेटा है वो वाई का ब्रदर है, भाई है. हु इज क्यू रिलेटेड टू एक्स, तो क्यू का रिलेशन क्या है एक्स के साथ, तो क्या होगा बेटा, अंकल का होगा. कैसे होगा देखें, पी क्यू ब्रदर है, एक्स वाई सिस्टर है, पी के बेटा क्या है सन, और सन क्या है वाई का ब्रदर है, तो पी इज अंकल ऑफ वाई, सो एक्स क्यू इज अंकल ऑफ एक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, ए हस्बैंड एंड वाइफ हैड फाइव मैरिड सन्स, एक हस्बैंड और वाइफ है, उनके पांच मैरिड बच्चे हैं, बेटे हैं, एंड ईच ऑफ देम, और उन सबको हैड फोर चिल्ड्रन, और उन प्रत्येक के चार चार बच्चे, हाउ मैनी मेंबर आर देर इन द फैमिली, तो उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो कितने बेटा 32. कैसे हैं देखें सॉल्यूशन, हस्बैंड और वाइफ तो वो दो थे, उनके फाइव मैरिड बच्चे थे, और फाइव मैरिड हैं तो इसका मतलब फाइव उनकी वाइफ भी हैं, तो टोटल 10 हो गए, और प्रत्येक सन के कितने बच्चे हैं चार, तो फोर को हमने फाइव से मल्टीप्लाई किया 20, तो अभी इन दोनों को ऐड किया तो 32, सो 32 इज द राइट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है और अच्छे से कंपटीशन के लिए अपना रिवीजन भी करना है, रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है. थैंक यू. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका. बच्चों आज का हमारा सुविचार है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. इसका अर्थ है कि हमें अपनी सोच सदा सकारात्मक रखनी चाहिए. अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी, और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारी जीत होगी. तो अब हम अपना सुलेख शुरू करते हैं, और हमारे सुलेख का विषय था परिश्रम का महत्व. परंतु आज हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है. जो बीत गया उसे भूलकर यदि हम आज से ही परिश्रम करने का संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता. परिश्रम के बल पर धूल भरे
रेगिस्तान, में भी लहलहाती फसल नजर आएगी। और मेहनत कस इंसानों की आवाज से देश की गरीबी गरीबी सात समंदर सात समुंदर पार भाग जाएगी भाग जाएगी। इसलिए हमें सदा परिश्रम को जीवन में उतारना चाहिए उतारना चाहिए, तभी हमारा देश देश प्रगति कर सकता है प्रगति कर सकता है। तो बच्चों आप सभी को भी सुलेख सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। इसमें हम नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल हेतु विशेष कक्षाएं कर रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होती है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियस क्लासेस दैट वी आर फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन फॉर द नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वचन। आज का हमारा टॉपिक है वचन। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है वचन क्या होते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं दिनांक 14 जुलाई 2020। और सबसे पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चलता है कि संख्या प्राणी की संख्या एक है या अनेक है, जिससे उसकी संख्या यानी गिनती का पता चले वो क्या होता है, वचन होता है। वचन की परिभाषा फिर से बोलते हैं एक बार। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब है कि वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें वस्तु या प्राणी की संख्या जिसमें एक हो वो एक वचन होता है, और जिसमें एक से अधिक संख्या हो वो बहुवचन होता है। अब हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन। जैसे हमने एक वचन में लिखा गमला, तो बहुवचन इसका क्या बनेगा, गमले। कमरा का बहुवचन बन जाएगा कमरे, बच्चा का बहुवचन बच्चे। और अगर हम ये पूछें कि बच्चे का एक वचन बनाओ, इसका हम उल्टा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चा। यानी हमें एक वचन का भी पता होना चाहिए और बहुवचन का भी पता होना चाहिए। ऐसे ही
आगे पढ़ते हैं, चश्मा जिसका बहुवचन है चश्मे और चश्मे का एक वचन है चश्मा, थैला थैले, लड़का लड़के, जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ, दवाई दवाइयाँ। अब इसमें देखने की बात यह है कि जिस जो यहाँ पे ई हमने जो बड़ी ई बनाई थी वो जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी बन जाती है, ऐसे ही मात्रा भी अगर यहाँ पे बड़ी हो तो वो बहुवचन बनाते वक्त छोटी ही बन जाती है। ये एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका है, एक वचन से चाहे बहुवचन बनाना हो, बहुवचन से चाहे एक वचन बनाना हो, ये हमें आना चाहिए। अगला है बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, माला मालाएं, मिठाई मिठाइयाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ। आज हमने क्या पढ़ा? वचन पढ़ा, वचन की परिभाषा पढ़ी, वचन के भेद पढ़े। वचन की परिभाषा एक बार से फिर से रिवाइज करते हैं। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे प्राणी कोई भी वस्तु जिसकी गिनती का पता चले, ये एक है या अधिक है। और इसके भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक वचन और बहुवचन। और हमें एक वचन से बहुवचन बनाना आ गया और बहुवचन से एक वचन बनाना आ गया। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमने वर्ड लिख दिया गमला, तो बताइए ये कौन सा वचन है? तो हमें पता होना चाहिए ये कौन सा वचन है, एक वचन, क्योंकि गमले से हमें कितनी संख्या का पता चल रहा है? एक संख्या का, कि गमला संख्या में एक है। अगर हम इससे उल्टा हमें पूछा जाए कि गमले की कौन सा वचन आएगा, तो हम इसमें बता सकते हैं, क्योंकि हमें गमले से पता चल रहा है कि एक नहीं, ये संख्या में एक से अधिक है, इसलिए हम इसको बताएंगे बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, और इसका डिफरेंस क्या होता है वो हमने आज पढ़ा। धन्यवाद। दिस इज प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हेतु विशेष कक्षाएं, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी आर फोकस ऑन द प्रिपरेशन फॉर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कहानी, यानी हम आपका मनपसंद टॉपिक करवाएंगे, कहानी जो सबको अच्छी लगती है। और आज की हमारी कहानी है, आज दिनांक है 13 जुलाई 2020, जिसमें हम कहानी कर रहे हैं चतुर लोमड़ी। कौन सी कहानी करेंगे आज? कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी। तो कहानी पढ़ते हैं। एक कौवा था, उसे कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, वह उसे चोंच में लेकर पेड़ पर जा बैठा। तभी एक लोमड़ी उधर आ निकली, जब वह रोटी खा रहा था बैठा, तो वहाँ से कौन आया? एक लोमड़ी आई। उसने कौवे को देखा, रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मन में लालच आ गया। वह कौवे से बोली, कौवे भाई कहो कैसे हो? सुना है तुम बहुत अच्छा गीत गाते हो, मुझे भी एक गीत सुना दो। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया, अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो गया, सभी अपनी बड़ाई सुनकर खुश हो जाते हैं। कौवा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की चतुराई न समझ सका, उसको नहीं पता कि लोमड़ी इतनी चालाक होती है और वो कोई चालाकी दिखा रही है। वह झट से बोला, काव काव, उसने यानी कि अपना मुंह खोल दिया। चोंच खोलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा, जैसे ही उसने मुंह खोला रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी उस टुकड़े को उठाकर भाग गई, यानी उसने कौवे को बेवकूफ़ बनाया। तो आज की जो हमारी कहानी है वो हमें क्या शिक्षा देती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी आज क्या है कि झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। जब भी कोई
हमारी तारीफ करता है तो उससे हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ने जब कोई बुराई करता है तो हमें उसको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बुराई करता है, हमें हमारी कमियां बताता है, तो उससे हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी कमी बता रहा है उसको दूर कर सकते हैं। और तारीफ़ जो करते हैं उससे हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि हम अपनी कमी को पकड़ नहीं पाते। तो आज की जो हमारी कहानी है वो भी हमें यही बता रही है। एक कौवा था, वह उसे रोटी मिली और वह उसको लेकर पेड़ पर जा बैठा। लोमड़ी ने उसे देखा, उसकी तारीफ़ की और कौवे तारीफ़ में खुश हो गया। और उसने फिर क्या किया, जैसा लोमड़ी ने बोला वो उसकी बातों में आ गया और उसने गीत गाना शुरू किया। यानी जैसे ही उसने काँव काँव की, चोंच से रोटी नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही वह रोटी को उठाकर ले गई। यानी कि झूठी प्रशंसा से अगर हम बचेंगे तो हम अपनी बुराई को भी देख पाएंगे और हम उसको दूर कर पाएंगे। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो ये समझ लो हमारी बुराई को या हमारी जो कमी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जब हम कमी को छुपाते हैं तो वो कमी दूर नहीं होती, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस कहानी से आज हम यही सीखेंगे कि झूठी प्रशंसा से हम बचेंगे और अपनी कमी को हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। टुडेज टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुके थे एंड चुकी थी। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था या चुके थे एंड चुकी थी ये सब आए हैं, मतलब थी, आए, गया था, गए थे, ऐसा कुछ है, तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड यूज़ होती है। हैड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। हैड इज़ यूज विद सिंगुलर, प्लूरल एंड बोथ सब्जेक्ट। ओनली हैड का यूज़ करेंगे तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का ही यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। हमारी पास्ट हैबिट्स जो पहले रेगुलर थी और अभी रेगुलर हैं या रेगुलर हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस को मेक करने के लिए हमारे पास थ्री टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सेकेंड नेगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट देखिए हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब है हमारी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, सी हैड मीट हिम बिफोर द पार्टी। मैं उससे पार्टी से पहले क्या था? मिला था। क्लियर है? सेकेंड देखिए, राम हैड गोन टू स्कूल। राम स्कूल गया था। अब इसमें राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, गोन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन, एंड टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम हैड नॉट गोन टू स्कूल। राम तो पता ही सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारी नेगेटिव सेंस को मेक करी सेंटेंस में। क्लियर है? एंड लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। हैड राम, सॉरी सेकेंड ये सेंटेंस ये देखें, हैड वी सीन द फिल्म। क्या उसने ये फिल्म देखी थी? तो क्या हो गया, हैड हमारा फर्स्ट, हैड हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया। वी हमारा सब्जेक्ट है, सीन थर्ड फॉर्म है सी की, सी, ठीक है, और द फिल्म क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्लियर है एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेट एंड कैपिटल्स। सो बेटा हमने अभी तक 20 स्टेट्स फिल कर लिए हैं। आज हम जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको फिल करेंगे। सो लेट स्टार्ट। हमारा जो 21st स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। 22nd है यानी कि 22 है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। 23 है आसाम, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। 24 है नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। तो सो बेटा इन फोर स्टेट्स को हम इंडिया के मैप में फिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
बेटा हमारे जो इतने सारे भी स्टेट हैं ये हमने फिल कर लिए हैं। आज हम जो हमारे ये ईस्टर्न स्टेट बचे हैं, सेवन जो सिस्टर्स और एक सिक्किम जो स्टेट बचा है, इनको फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये स्टेट है सिक्किम, 21 नंबर स्टेट है सिक्किम। सिक्किम जो है इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। और सिक्किम को एक स्टेट बनाया गया 16 मई 1975 में सिक्किम एक स्टेट बना था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम में? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। सीएम यहाँ के हैं प्रेम सिंह जी। हाईकोर्ट यहाँ पे सिक्किम हाईकोर्ट है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 32 और लोकसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं? 1 और राज्यसभा की भी 1 ही सीट है। नेक्स्ट, इस स्टेट के अंदर कौन कौन से स्टेट की या कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं? वो सबसे पहले इसके नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत की बाउंड्री लगती है, वेस्ट में नेपाल, ये जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल की लगती है, ईस्ट में भूटान की बाउंड्री लगती है। और जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? इसके साउथ में वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है, यानी कि जो सिक्किम है इससे 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज टच होती हैं और एक स्टेट बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये 7 सिस्टर्स अब हम फिल करेंगे। तो इन जो ये ईस्टर्न स्टेट है इनको क्या बोलते हैं? 7 बहनें 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा ये 22 स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया गया। ईटानगर इसकी कैपिटल है। 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था। उसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 21 जनवरी 1972 में। लेकिन 20 फरवरी 1987 में इसको एक स्टेट बना दिया गया। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है इस स्टेट के अंदर वो कितने हैं? 25। सीएम यहाँ के हैं पेमा खांडू जी जो है वो यहाँ के सीएम हैं। हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसकी एक ईटानगर में भी बेंच है हाईकोर्ट की। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 60, लोकसभा की सीटें 2 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 है। जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन से स्टेट की टच होती है इससे? सबसे पहले तो इससे आसाम की जो बाउंड्री है वो टच होती है साउथ से, और ईस्ट में, ईस्ट जो एरिया है इसका, ईस्ट बाउंड्री है, इधर म्यांमार की बाउंड्री टच होती है, और वेस्ट में भूटान की बाउंड्री टच होती है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हमारा 23 स्टेट जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके सेंटर में स्थित है आसाम। आसाम 23 नंबर पे। इसकी जो कैपिटल है आसाम की वो है दिसपुर, और आसाम को 26 जनवरी 1950 में एक स्टेट बनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 में आसाम को स्टेट बनाया गया था। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कितने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। सीएम यहाँ के हैं सर्विनंदा सोनोवाल जी, और हाईकोर्ट यहाँ पे है गुवाहाटी हाईकोर्ट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 126 है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 14 हैं और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं। बाउंड्री इस स्टेट से कौन कौन से स्टेट की टच होती है? क्योंकि ये ईस्टर्न जो स्टेट है उनके बिल्कुल सेंटर में स्थित है, तो ईस्टर्न सारे स्टेट्स की बाउंड्री लगभग इससे टच होती है। इसके नॉर्थ में भूटान जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, और स्टेट अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री इसके नॉर्थ में टच होती है। ईस्ट में यानी कि आसाम के ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर की बाउंड्री टच होती है। उसके बाद इसके साउथ में त्रिपुरा और मिजोरम की बाउंड्री इससे टच होती है।
आसाम के साउथ में ही बांग्लादेश की भी बाउंड्री से टच होती है और वेस्ट में, आसाम के वेस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, मैंने कल आपको जब बताया था कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्री यहाँ तक लोकेटेड है, तो आसाम के वेस्ट में कौन से स्टेट की बाउंड्री है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारा 24th स्टेट है, 24th स्टेट हमारा ये वाला है, नागालैंड। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा, और नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया 1 दिसंबर 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया। नागालैंड में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सीएम यहाँ के हैं नाइफ्यू रियो जी। हाई कोर्ट यहाँ के गुवाहाटी हाई कोर्ट है यहाँ पे, और उसकी एक बेंच कहाँ पे है, कोहिमा में है। और इस स्टेट से कौन कौन से स्टेट की बाउंड्रीज टच होती हैं, वो सबसे पहले इसके वेस्ट में यानी कि नागालैंड के वेस्ट में आसाम की बाउंड्री टच होती है, इससे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और आसाम, उसके बाद साउथ में मणिपुर से, इस मणिपुर स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 60 हैं, 60 मेंबर्स हैं, और लोकसभा के का वन मेंबर है और वन सीट है, और राज्यसभा की भी एक ही सीट है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 4 स्टेट्स करवाए हैं, 21 हमारा जो स्टेट है वो क्या है, सिक्किम, जिसको 16 मई 1975 में बनाया गया था। 22 है अरुणाचल प्रदेश, जिसको 20 फरवरी 1987 में बनाया गया था। 23 हमारा स्टेट है आसाम, जिसको 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था। 27 हमारा स्टेट है नागालैंड, जिसको 1 दिसंबर 1963 में बनाया गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MLP यूट्यूब चैनल। हेयर इज अनु यादव, योर GK टीचर फॉर योर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर थॉट। अवर टुडेज थॉट इज द मोर आवर्स यू वर्क नाउ, द मोर आवर्स यू कैन चिल लेटर। स्टूडेंट्स, इट मीन्स यदि अब जो आपके पास समय है उस समय का महत्व समझते हुए आप मेहनत करते हैं, तो बाद में आपको उस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और आप आराम से चिल कर पाओगे, यानी उस टाइम को आप इंजॉय कर पाओगे। स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टडी के लिए भी लागू होता है। अभी आपकी छुट्टियां हो रखी हैं, कोरोना हॉलीडेज चल रही हैं, ये जो टाइम है ये आपकी स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। आप अगर इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे तो बाद में जब आपका एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी, सारी स्टडी दोबारा से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी स्टडी जारी रखेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, ओनली सिर्फ रिविजन से ही काम चल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसलिए आपको मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी हॉलीडेज का यूटिलाइज करते हुए अपनी स्टडी जारी रखें, और फिर बाद में आपका एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम आप सिर्फ रिवीजन करें, इससे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको अच्छा मार्क्स आएंगे और आपका अच्छा रैंक मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट फेमस निकनेम्स ऑफ इंडिया। टुडे वी प्रोसीड अवर टॉपिक एंड स्टार्ट फ्रॉम 8th नंबर। 81 इज चाचा, हु इज नोन एज चाचा ऑफ इंडिया। हम चाचा किसे बुलाते हैं, ही इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज चाचा इन इंडिया। नेक्स्ट इज सरदार, हम निकनेम के तौर पे सरदार किन्हें बुलाते हैं, किनको निकनेम हमने सरदार रखा हुआ है, ही इज वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज सरदार इन इंडिया। नेक्स्ट इज 10 नंबर इज नेताजी, हु इज नोन एज नेताजी एज निकनेम। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का हम निकनेम के तौर पे क्या बुलाते हैं, उनको नेताजी। नेक्स्ट इज 11 निकनेम है हमारे पास,
लिटिल मास्टर. हु इज नोन एज लिटिल मास्टर ऑफ इंडिया? इज सुनील गावस्कर. सुनील गावस्कर जो है हमारे क्रिकेटर हैं, उनको हम लिटिल मास्टर के नाम से भी बुलाते हैं. नेक्स्ट इज विश्व कवि और कवि गुरु, और क्या बुला सकते हैं हम? गुरुदेव. ये तीनों नाम हमने कौन से कवि के रखे हुए हैं, किन्हें हम इन तीनों नाम से बुलाते हैं? विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव. ही इज रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर को हम विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल अवर निकनेम्स, फेमस निकनेम्स ऑफ इंडिया. लेट्स सी फेमस निकनेम्स. फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी. स्ट्रोंग मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त. शेक्सपियर ऑफ इंडिया महाकवि, महाकवि कालिदास. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू. मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय. नेक्स्ट इज मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद. एट वन इज चाचा जवाहरलाल नेहरू. नाइन्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर. एंड लास्ट वन इज विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव. ही इज रविंद्रनाथ टैगोर. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द फेमस निकनेम्स ऑफ इंडिया. लर्न देम एंड राइट देम इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट्स.